वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम सनी हियर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिनिमलिस्ट का एक एंटी एक्ने फेस वॉश के रिव्यू। जी हाँ, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस मिनिमलिस्ट थारिसलिक एसिड प्लस एलएचए 2% क्लेंजर। ये है फेस क्लेंजर जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 100 ml की है, रिड्यूसेस सीबम एंड प्रिवेंट्स ब्रेकआउट। दिस इज द आउटर कर्टन एंड दिस इज द बॉटल, आई होप यू कैन सी। ओके, तो ये है टोटली एंटी एक्ने। आई मीन आपका अगर पिंपल एक्ने प्रोन स्किन है, आपका बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होती है, आपके स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, रैशेस है, तो दिस सीरम विल वर्क ऑन योर स्किन। ये मिनिमलिस्ट का दावा है, आई एम नॉट टेलिंग माय एक्सपीरियंस अभी तक। तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि मिनिमलिस्ट ने इसके ऊपर क्या क्या क्लेम किया है, क्या इनका दावा है कि इसमें क्या है, फेस वॉश वर्क करती है, कितना करती है, आपके पिंपल के ऊपर कितना हद तक करती है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले जो करनी है, रेड वाला जो फ्री बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे चैनल में मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस। ओके, लिखा है इसका इन्ग्रीडियंट्स, एक्वा है, ग्लिसरीन है, एंड इसमें है सोडियम लॉरेल मिथाइल आइसोथेनेट आइसोथिनोइट, आई डोंट नो, मे बी मैं प्रोनाउंस थोड़ा गलत कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। एंड ओट है इसमें, एवेना सटीवा, सैलिसिलिक एसिड है, दोनों तरीके का है यहाँ पे, एंड एलेंटोइन, एंड है जिंक है, सोडियम PCA, बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सिट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट, लैक्टिक एसिड, सब कुछ इसमें है। यहाँ पे इसका फुल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, एंड इसका प्राइस है 299, जो काफ़ी हद तक डिस्काउंट में मिलती है। जैसे कि मैं अभी आपके साथ वीडियो बना रही हूँ, तो इस टाइम नायका में वीडियो चल रही है, सेल अमेजन में चल रही है, नायका अमेजन दोनों के दोनों साइट में आपको ये मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है शायद, बट मैंने कभी कोई भी मिनिमलिस्ट का प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से परचेस नहीं किया, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। आप अगर हो, मैं ट्रस्ट करती हूँ नायका में, अमेजन में यहाँ पे जेन्युइन वाला प्रोडक्ट्स मिलती है, अदर्स ब्रांड अदर्स साइट में मैं उतना ज़्यादा परचेस नहीं करती हूँ, सो आई कैंट से अबाउट दैट, प्लीज़ डोंट माइंड। और ये 299 का है, आपको आराम से 210 टू 250 तक मिल जाती है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच सेल इज गोइंग ऑन जिस साइट से आप ले रहे हैं। जो लिखा है सैलिसिलिक जो सोर्स होती है, पीएच बैलेंस, यहाँ पे पीएच बैलेंस लिखा है 4.5 to 5.5। ये जेंटल डेली एक्सफोलिएटिंग फेस क्लिंजर है, बट इसमें कोई भी एक्सफोलिएटिंग बिट्स नहीं है, सो डोंट बी स्केयर्ड कि इसमें आपको एक्सफोलिएटिंग बिट्स है, ये आपके फेस को स्क्रब करेगा, नो। सैलिसिलिक एसिड इज अ सेल्फ एक्सफोलिएटर, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एएचए, पीएचए, दोज आर द जेंटल पील करती है आपके स्किन को, एक्सफोलिएशन के काम करती है। दैट्स वे दे आर टेलिंग दैट दिस इज अ जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस क्लेंजर। इट कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड इन टू फॉर्म्स, विच कम्बिनेशन प्रोवाइड डीप क्लेंजिंग, रिडक्शन करती है विदाउट ड्राइंग आउट द स्किन। इट नॉट ओनली रिड्यूस एक्टिव एक्ने, बट ऑल्सो रिड्यूस क्लेंजेस द फ्यूचर जो ब्रेकआउट्स होती है। ये AM PM आप दोनों टाइम पे यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल जैसे कि आप फेस क्लेंजर यूज़ करते हो, दिस इज़ अ क्लेंजर एक्चुअली, दिस इज नॉट प्रॉपर फेस वॉश, यू कांट सी लॉट ऑफ फोम, ज़्यादा फोम नहीं देखोगे, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, आप देख सकते हो ये टोटली लिक्विड है, तो भी ये अच्छे से आपका फोम या लेदर या क्रीमीनेस कुछ भी नहीं देती है, जेल फॉर्म टू वाटर फॉर्म में है, बहुत ही माइंड क्लेंजर है, बेटर टू से दिस इज नॉट अ फेस वॉश, दिस इज अ क्लेंजर। ओके, जैसे कि सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर है, उसमें थोड़ा सा क्रीमीनेस है, बट ये टोटली वाटर बेस्ड में है। ओके, एंड जी हाँ, इसका शेल्फ लाइफ है डियर 2 years का, बारकोड है यहाँ पे, और ये QR कोड है यहाँ पे। तो दिस इज़ द आउटर कर्टन, जो एज वे हर मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट का ऐसा ही आउटर कर्टन होती है, ब्लैक एंड जस्ट नॉर्मल वेरी फॉर्मल टाइप का आउटर कर्टन। अब आते हैं इसके ऊपर, ये है फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट के साथ आती है। इसका क्वांटिटी मैं बता दूँ 100 ml है, बट दिखने में बहुत ही छोटा सा लगती है, थोड़ा सा वाइड है तो इसलिए, बट आई डोंट नो, मुझे इतना बहुत ही छोटा लगती है 100 ml के हिसाब से। और ये अच्छे साउंड के साथ क्लिक होती है, बट थोड़ा सा डियर इधर उधर करोगे, आई मीन इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक इट विथ यू, आई मीन ट्रैवल टाइम पे,
तो आपको आउटर कॉटन के साथ ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लीक करने के चांसेस होती है इसमें. एंड ये अब आते हैं मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताती हूँ. प्रॉस में है दिस इज़ अफोर्डेबल, द ब्रांड इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, मिनिमलिस्ट बहुत ही अच्छी ब्रांड है. मैं भी लास्ट वन ईयर ऑलमोस्ट, इस फेब्रवरी में वन ईयर होगी मेरे मिनिमलिस्ट के साथ जर्नीज है. मैं बहुत सारा सीरम्स एक्स ब्रांड के थ्रू मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड नाउ माई स्किन इज़ वेरी मच प्रिटी यूज्ड टू विद दिस काइंड ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स. मिनिमलिस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, हर जगह पर अवेलेबल है और वेरी जेंटल है. आई मीन बहुत ज़्यादा कुछ हार्श फ्रेगरेंस नहीं है इसमें और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है. क्वांटिटी पे बहुत अच्छे है और फ्लिप कैप है, इजी टू यूज़ है. एंड अब आते हैं कॉन्स के ऊपर. मैं कॉन्स में अगर बोलूँ तो प्लीज़ डोंट बाई इट, दिस इज़ द नंबर वन कॉन मैं बताऊँगी, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप इसे बाय करोगे, इसके यूज़ करोगे एंड योर इन्फ्लेमेशन, योर एक्ने, योर पिंपल्स विल बी रिड्यूस्ड, नेवर एवर पॉसिबल. बिकॉज नॉट ओनली मी, मेरा ड्राई सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है, एडल्ट एक्ने है एंड राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे रैशेस है, ये मिनिमाइज हो चुकी है. इसके थ्रू नहीं, ये आप देख सकते हो भी यहाँ पे हैजिड्स रैशेस और यहाँ पे पीरियड से पहले मुझे हुई थी जो अभी मिनिमाइज हो रही है डियर. बट इसके बदौलत मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिली. मैं लास्ट 15 टू 20 डेज इसे यूज़ कर रही हूँ, डेली मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ. इफ़ योर स्किन इज़ लाइक मी, ड्राई सेंसिटिव एक्ने प्रोन, डोंट बाय दिस बिकॉज इट्स विल नेवर गिव यू एनी सेटिस्फैक्शन. ये आपके एक्ने भी तो मिनिमाइज नहीं करेगी, ऊपर से क्या करती है, दिस इज अ एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश. आप अगर सोचते हो इसे आप डेली यूज़ करोगे या वंस इन अ डे आप यूज़ करोगे, उसके साथ जितना भी मॉइस्चराइजर आप क्यों ना यूज़ करो, ये बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई आउट करती है, स्पेशली माउथ अराउंड योर माउथ एरिया, फोरहेड एरिया जहाँ पे मेरा ड्राइनेस है, जहाँ पे ओवरऑल कम्बिनेशन ड्राई स्किन का ड्राइनेस होती है, वो जगह पे ये बहुत अच्छे से आपका ड्राई कर देगी विदाउट हेल्पिंग टू रिड्यूस योर इन्फ्लेमेशन या एक्ने में पिम्पल जो भी है, बिल्कुल भी ये मिनिमाइज नहीं करती है. ये आप जितना यूज़ करोगे अपना नेचुरल मॉइस्चर को एकदम टोटली गायब कर देगी. यहाँ पे आपका फ्लेक्स में आना स्टार्ट हो जाएगा. मेरे फोरहेड में भी हल्का हल्का फ्लेकिंग हो चुकी है, यहाँ पे भी फ्लेकिंग हो चुकी है. नाउडेज आई एम यूजिंग अ थिक क्रीम, विटामिन ई ऑयल मैं रात में ही लगाती हूँ. अदर्स मैं लगाती हूँ, रेटिनल लगाती हूँ, ट्रेटिनोइन, आपका ट्रांसजेमिक एसिड, ये सब लगाती हूँ. उसमें मुझे कोई भी कभी भी कोई भी मॉइस्चर लॉस या इरिटेशन या पीलिंग की ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुई. Didn't work for me. I mean, I'm not at all happy. I mean, मेरे हस्बैंड के बहुत oily skin है, उनका भी oil minimize तो हो जाती है लेकिन pimple उनका भी reduce नहीं होती है. तो oily acne prone skin में आपका sebum secretion, oil secretion ये minimize करती है, that's true. कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ certain extent तक ये करती है. But कोई भी skin में dry, ऑयली कोई भी स्किन में ये आपका पिंपल एक्ने मिनिमाइज नहीं करती है. ड्राई स्किन में स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई करती है, पीलिंग कर देती है, रेडनेस नहीं आती है बट स्किन डल पैची बना देती है. तो मैं तो इसे दोबारा परचेस नहीं करूँगी और मैं इसे यूज़ भी अभी करना आज से बंद कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिव्यू. आई वॉज यूजिंग ऑल्टरनेट डे, वंस इन अ डे मैं यूज़ करती हूँ. मैंने यूज़ किया है कि देखने के लिए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, लेकिन एक्ने मेरे वहाँ के वहाँ ही रह गए बट इतना ज़्यादा मेरा पीलिंग होगी, ड्राइनेस होगी अराउंड द माउथ, मेरे यहाँ पे पैचीनेस आ गई है, यहाँ पे पैचीनेस आ गई है. तो इट विल टेक टाइम बिकॉज अभी विंटर है और इस टाइम पे अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक आपको उसको मिनिमाइज करना. तो स्किन में यूज़ करना चाहते हो तो इट्स टोटली अप टू यू, आई हैव नो इश्यूज बट मैं इस परचेस नहीं करूँगी, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगी. बहुत ज़्यादा टीनेज ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो बट नेवर यूज़ इट डेली बेसिस में यूज़ मत कीजिए. सैलिसिलिक एसिड में ऐसे ही आपको एक्सफोलिएशन होती है तो मैं डेली तो सजेस्ट नहीं करूँगी. ऑल्टरनेट डे कीजिए, वंस इन अ डे कीजिए और अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए. डे टाइम करते हो तो सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज योर स्किन बैरियर टोटली डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे तरफ से टोटली रिग्रेटिंग प्रोडक्ट है. मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इसके रिजल्ट से, मैं इसे सजेस्ट नहीं कर